हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल AI का ट्रेंड चला हुआ है, यूट्यूब पर भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जिसमें लोगों ने बताया है कि AI वीडियो कैसे बनाएं और उससे पैसे कैसे कमाएं। लेकिन किसी ने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि अगर आपके पास कोई माइक नहीं है और आप एक प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो आप AI की मदद से कैसे कर सकते हैं। और अगर आपकी वॉइस में जो भी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें कोई नॉइस आ रही है, बैकग्राउंड चाहे फ़ैन चलने की आवाज़ है या फिर किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज़ है, तो उस नॉइस को, या कूलर चलने की आवाज़ है, तो उस नॉइस को आप कैसे AI की हेल्प से दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना माइक के आप एक प्रोफेशनल ऑडियो कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करेंगे और आपकी वीडियो में जो भी वॉइस आ रही है, जो भी नॉइस आ रही है, जो भी किसी भी तरीके की आवाज़ आ रही है आपकी वीडियो के बैकग्राउंड में, तो उसे आप AI की मदद से कैसे दूर करेंगे। मैं सब आपको प्रैक्टिकल इस वीडियो में करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें जो आपकी नॉइस की आवाज़ है वो कम होनी चाहिए और आपकी जो बोल रहे हैं, आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आप जो भी अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं उसकी जो आपकी आवाज़ है वो ज़्यादा होगी, और जो आपकी नॉइस आ रही है, पंखे की आवाज़ आ रही है या उसमें हल्की हल्की कूलर की आवाज़ आ रही है, उसकी आवाज़ लो होनी चाहिए। तो रिकॉर्ड करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे इसको रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गूगल ओपन किया हुआ है, क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है, और इसकी स्क्रीन बड़ी है इसलिए आपको इस पे अच्छे से समझ में आएगा आपको क्या करना है। आपने बिना माइक के, मान लीजिए कोई मैंने एक सैम्पल वीडियो बना ली है, ठीक है, जिसमें मैंने माइक का यूज नहीं किया, मैंने बिना माइक के उसमें वॉइस रिकॉर्ड करी है और उसमें कुछ बैकग्राउंड नॉइस भी आ रही है। तो अब हम इसे एक SD क्वालिटी प्रोफेशनल ऑडियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको अपनी वीडियो को MP3 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ऑडियो में कन्वर्ट करना है आपकी वीडियो को। वीडियो में से आपको ऑडियो को अलग करना है, तो उसके लिए आपको सिंपल गूगल पे टाइप करना है वीडियो टू MP3 कन्वर्टर। आपके सामने दुनिया भर की वेबसाइट आ जाएंगी। आप सबसे पहली वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप चूज फाइल करके अपनी उस वीडियो को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लें। तो मैं जल्दी से उसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल मैं इस कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो मेरी वीडियो है वो कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई है, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये मेरी जो वीडियो है वो यहाँ पे MP जो मेरी 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। MP4 मेरी वीडियो है, ठीक है, उसको ये ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा जो भी मेरी वीडियो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पे कन्वर्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सिंपल हम इसे डाउनलोड पे क्लिक करके अपने जो लैपटॉप है उसके अंदर हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये डाउनलोड भी हो गई। अब हम एक नए AI टूल पे जाएंगे, जिस टूल की मैं बात कर रहा हूँ ये है, वो आप देख सकते हैं, इनहेंस वॉइस रिकॉर्डिंग फॉर फ्री, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप AI लिंक पे क्लिक करके आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको साइन अप करने को बोल रहा है, तो आपको सिंपल यहाँ पे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने का प्रोसीजर आप गूगल से भी यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं साइन अप करने के बाद, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर साइन अप करूं, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल के और आपको कोई पासवर्ड सेटअप कर लेना है और अपना जो यहाँ पे अकाउंट है वो आपको सेटअप कर लेना है। मैंने इस पे अकाउंट बना रखा है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल के मैं जल्दी से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। अपनी ऑडियो को आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है, तो मैं सिंपल अपलोड पे क्लिक करके जो मैंने ऑडियो अभी डाउनलोड की थी उसे यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो मेरी जो ऑडियो है वो यहाँ पे इनहेंसिंग होनी शुरू हो गई है, ठीक है, यहाँ पे अपलोड होनी शुरू हो रखी है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इस पेज पे, रिमूव नॉइस फ्रॉम वॉइस रिकॉर्डिंग्स विद स्पीच इनहेंसमेंट, ठीक है। आप अपनी रिकॉर्डिंग में से नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये थोड़े से ही टाइम में यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, आप वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप, और जो ऑडियो आप डाउनलोड करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, ये प्रीव्यू है,
ठीक है, यहाँ पे मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ, जो पहले आवाज है वो सुनिए, और फिर मैं इसे इस पे क्लिक करके आपको नई आवाज भी सुना दूंगा जो इनहेंस होने के बाद, नॉइस रिमूव होने के बाद आएगी, तो ये सुनिए। मैं आप सभी के लिए एक डमी वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और मैं आपको इसमें वॉइस को बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि फैन की आवाज आ रही है पीछे से। ये आपने सुना किस तरीके से ये वॉइस है, और अब हम इसमें से नॉइस रिमूव करेंगे। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और अब आप इस वॉइस को सुनिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए एक डमी वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और मैं तो आपने देखा किस तरीके से ये वॉइस जो हमारी इसमें पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी, पंखे की फैन की आवाज आ रही थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल इसे डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ से आपको अपनी जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके काइंड मास्टर अगर यूज करते हैं, वहां पे वो वीडियो अपलोड करें, ठीक है, उसकी आवाज को आप म्यूट करें और इस ऑडियो को वहां पे उस वीडियो के नीचे लगा दें, और इस तरीके से उस वीडियो में इस वॉइस को आप यूज करें, और इस तरीके से आप एक एसटी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं बिल्कुल ही प्रोफेशनली। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है किस तरीके से आपको करना है सब कुछ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।